गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। चिल्ड्रेन, टुडे वी विल लर्न एडिशन बाय ड्राइंग लाइन। आज हम लोग ड्राइंग लाइन से एडिशन सीखेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था आप लोगों को एडिशन बाय ड्राइंग लाइन, और आज भी सीखेंगे। लुक एट द ब्लैक बोर्ड चिल्ड्रेन। एडिशन बाय ड्राइंग लाइन मींस होता है कि एडिशन मींस होता है जोड़ना। एडिशन मीन्स जोड़ना, ये होता है सिंबल एडिशन का। जहां भी ऐसा सिंबल लगा होता है तो इसे हम लोग कहते हैं जोड़ना। जोड़ना मतलब जैसे ये नंबर और ये नंबर एक साथ जोड़ देंगे। और हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को डेफिनेशन बताया था एडिशन का। व्हाट डज इट मीन बाय एडिशन? एडिशन मीन्स टू पुट थिंग्स टुगेदर, किसी सामान को किसी सामान के साथ जोड़ देना एडिशन कहलाता है। तो जैसे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर 7 और यहाँ पर लिखा है मैंने नंबर 3। तो हम लोग इसे ड्राइंग लाइन से कैसे ऐड करेंगे? जैसे यहाँ पर मैंने 7 नंबर लिखा है तो कितने नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे? ड्रा 7 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर मैंने कितने लाइन ड्रॉ किए? 7 लाइन ड्रॉ किया मैंने। हाउ मेनी लाइन्स आर ड्रा ऑन द ब्लैक बोर्ड? देयर आर 7 लाइन्स ड्रा ऑन द ब्लैक बोर्ड। देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन्स ड्रा किया है ब्लैक बोर्ड पर। यहाँ पर 7 नंबर लिखा है और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। यहाँ कितनी लाइन ड्रा करेंगे? 3 लाइन ड्रा करेंगे। ये देखिए 1 2 3, यहाँ पर हमने 3 लाइन ड्रा किया। काउंट ऑल द लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों लाइन को हम लोग एक साथ काउंट किए तो कितना आ गया? 10। 10 कहाँ लिखेंगे? 10 हम लोग इस बॉक्स में लिखेंगे। 7 और 3 को एक साथ ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 10। इसे कहते हैं एडिशन बाय ड्राइंग लाइन कि जितना नंबर हो उतने लाइन बनाओ और तुम दोनों लाइन को एक साथ काउंट करके यहाँ लिखो। ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट नंबर है हम लोगों का 8 और यहाँ है 2। यहाँ 8 लिखा है, कितने लाइन बनाएंगे हम लोग? 8 लाइन बनाएंगे। बोलते हैं ये का लाइन बनाइएगा तो ये तो लाइन का बहुत ज्यादा हो जाता है। बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 लिखा और हमने ये लाइन ड्रॉ किए 8। और यहाँ कौन सा नंबर लिखा है? नंबर 2 लिखा है तो कितने लाइन ड्रॉ करेंगे? 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2, कितने लाइन ड्रॉ करेंगे? 2। अब हम लोग एक साथ काउंट करेंगे सारे लाइन को, इसी का मतलब होता है जोड़ना। 8 में हम लोग 2 को जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी 10 आया है, यहाँ हम लोग 10 इस बॉक्स में लिख देंगे। यहाँ देखिए 8 2, और हमने एडिशन का सिंबल लगाया, इसका मतलब इन दोनों नंबर को ऐड करना है एक साथ। 8 में 2 प्लस किया हमने, कितना हो गया? 10। ओके चिल्ड्रन, इस तरह बेटा आप लोग जैसे हमने पहले धीरे धीरे नंबर बोला और लाइन बनाए, ऐसे आप लोग भी उसे बोलते रहिएगा और लाइन बनाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर 5 और यहाँ लिखा है 2। यहाँ पर 5 लिखा है तो कितने लाइन ड्रा करेंगे? 5। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लाइन है और यहाँ 5 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है नंबर 2। यहाँ पर बनाएंगे 2 लाइन। अब सारी लाइन को हम लोग एक साथ काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? 7 लाइन। तो ये हम लोग 7 यहाँ लिख देंगे। 5 में 2 ऐड किया हमने तो क्या हो गया? 7 नंबर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 4। 1 2 3 4 लाइन ड्रा किया और यहाँ 3 लिखा, 1 2 3 लाइन ड्रा किया। अब सारे लाइन को एक साथ काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? 7। और में 3 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। इस तरह चलते आप अपनी मैथ की क्लास कर कॉपी में ऊपर क्लास वर्क डालेंगे, नीचे लिखेंगे एडिशन, एडिशन का सिंबल लगाएंगे, बाय ड्राइंग लाइन। ड्राइंग लाइन मीन्स होता है लाइन बनाना। उसके बाद जैसे मैंने 7 3 लिखा था, 7 3 लिखेंगे, लाइन बनाएंगे। जैसे जैसे मैंने
योर होमवर्क टुडे योर होमवर्क विल बी एट द फॉलोइंग मीन्स जो मैंने ये नंबर दिया है इसको आप जैसे क्लास तक में ड्रॉइंग लाइन से ऐड कराया है ऐसे आप ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा नंबर 5, यहाँ 5 लाइन बनाएंगे और यहाँ पर 4 लिखा तो 4 लाइन बनाएंगे और 5 और 4 लाइन को एक साथ काउंट करके यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर लिखा है मैंने 4, कितने लाइन बनाएंगे 4। यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, कितने लाइन बनाएंगे 4। फिर 4 और 4 दोनों को एक साथ काउंट करेंगे, जो नंबर आएगा यहाँ फिल करेंगे। इस तरह ना होमवर्क नीट एंड क्लीन करेंगे। आई होप कि आप लोग अपना क्लास वर्क होमवर्क अच्छे से करेंगे और मन से पढ़ाई करेंगे क्योंकि अब एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ओके चिल्ड्रेन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।